मैं सबको सलाम सलाम पाकिस्तान, मैं आपका मेजबान साजिद वली। आप देखिए प्रोग्राम कड़वा सच साजिद वली के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम 295C जिसपे एक झुमके मुकदमे में स्टीफन मसीह को सियाल को उससे फंसाया गया। बाद में जब असलियत सामने आई तो वो इब्दालवर निकला और उसका सर्टिफिकेट भी मेंटल हॉस्पिटल से मिल गया। इन सारी कावशों के पीछे जो इस केस को डील कर रहे थे वो हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हमीद राणा साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं, वो सीनियर एडवोकेट हैं, और साथ ही हमारे साथ स्टीफन का जो भाई है फ्रांसिस सियालकोट से, वो हमारे साथ मौजूद है। और इस वक्त सुर्खियाँ चल रही है कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्यूनिटी की जो NGOs हैं वो इस तरह के केसेस में जब अपना रोल अदा करती हैं तो कहाँ तक वो कामयाब होती हैं और किस तरह वो इन केसेस को डील करती हैं, उसी हवाले से हम एडवोकेट हैं वैसे राणा साहब, उनसे पूछेंगे। सर, पहले आप तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया इस हवाले से कि इस तरह के जो एहसास केस है उसको किस तरह डील किया जाता है, उस हवाले से बताइए। जनाब मेहरबानी, आप नेशनल न्यूज़ नामा से मेरे पास तशरीफ लाए और आप इसी कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप इंसानों की खिदमत कर रहे हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम विक्टिम इंसानों की मदद करें। ठीक है, मसीही हो कोई भी हो जो विक्टिम नाजायज़ समझते हैं उनकी मदद होनी चाहिए। तो आज जो केस हमारे सामने है जिसके लिए आप कोशिश लाए हैं, इसको वाइस पार्क जस्टिस की तरफ से हमें स्पोर्ट किया गया, जिसके सरप्रस्ट जिसके चेयरमैन हैं जेनसन जोसेफ साहब हॉलैंड से, उन्होंने हमें इसमें कहा, रिक्वेस्ट की, तो हमने उनके कहने पर इस केस को एक्सेप्ट किया। और ये बहुत ही सेंसिटिव केस था, बड़ा हसास केस था, जो कि सियालकोट के थाना बड़ाना में दर्ज हुआ, जिसमें 295C क्योंकि बहुत सीरियस ऑफेंस है वो लगाया गया। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया स्टीफन मसीह को, जिसके खिलाफ ये पर्चा दर्ज हुआ 2019 में 11/3/2019 को, तो उसके खिलाफ एक छोटा इल्ज़ाम था, नाम नहाद इल्ज़ाम था कि इसने कोई ने रसालत की है, बेबुनियाद था, गलत था। जब उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ तो उसके बाद उसके घर को आग लगा दी, जला दिया घर को, पूरी फैमिली परेशान हुई, वो भागे, जान बचाई, कहीं चले गए, शेल्टर किया मैंने, बहुत देर तक खाते रहे। तो उसके बाद मुख्तलिफ वकला इस केस को कंडक्ट करते हुए लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास आए, तो मैंने इस केस को टिकट किया, तो जिसमें खुदा के फजल से हम कामयाब हुए। हमारी ग्राउंड ये थी कि जो मुल्जम स्टीफन मसीह है ये एक एबनॉर्मल शख्स है, इसके अंदर तवाज़ुन सही नहीं है और ये इस काबिल नहीं है कि इसको मुल्जम बनाया जाए, इसको मुल्जम रखा जाए, क्योंकि बैन अवी कानून यही है कि जो एबनॉर्मल होते हैं, जिनका अंदर तवाज़ुन सही नहीं होता, उनको किसी जुर्म की सज़ा नहीं हो सकती। और इसी तरह हमारे मुल्क में भी यही कानून मौजूद है कि जो एबनॉर्मल लोग होते हैं, जिनका तवाज़ुन सही नहीं होता, उनको कोई सज़ा नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से हमने इसको इसको प्रोटेस्ट किया। तो पहले जब हमारे जो था सियालकोट और इसके केस की सेंसिटिविटी की वजह से, इसके एहसास होने की वजह से मुल्जम को जेल से नहीं निकाला जा सकता, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये हुक्म दिया कि इसका जेल में ही ट्रायल किया जाए, क्योंकि इतना ही खतरनाक कैदी होते हैं, उनको खतरनाक डिक्लेयर किया जाता है, फिर वो जेल में उनका ट्रायल होता है। तो हमने इसको किया और हाई कोर्ट ने केस रिमांड कर दिया हमारा एक दफा, क्योंकि पहले इसका जो प्रोसीजर है प्रॉब्लम होने का, इसका जल्दी अदालत होने का, वो पूरा किया जाए। हम फिर दोबारा सियालकोट जेल में गए, वहाँ पे जाकर प्रोसीजर हुआ, डॉक्टर ने आगे बयान दिया, कोर्ट के इंचार्ज ने, कोर्ट के नाम पर नुमाइंदे ने, ट्रायल कोर्ट ने सियालकोट में आगे बयान दिया कि ये वाकई जिनी तौर पर पागल है, इसका जिनी तवाज़ुन सही नहीं है, पूरे कोर्ट के 8 मेम्बरान की ये राय थी कि जिनी तौर पर ये प्रॉब्लम ये इसका नॉर्मल नहीं है। फिर इसके बावजूद सियालकोट की जेल ने इसकी जमानत खारिज कर दी, जिसको हम दोबारा हाईकोर्ट में लेके आए और खुदा के फजल से हाईकोर्ट ने इस बेचारे बेगुनाह जिनी तौर पर माजूर मुल्जम की जमानत मंजूर कर ली। और उसके बाद ये जेल से रहा हुआ जल का दाखिल करके, और जिस तरह आपने बताया कि उस वक्त जो हुआ हुआ वो घर को भी चलाया गया, तो इस वक्त मेरा ख्याल जब तक इस फैमिली को प्रोटेक्शन दी जाएगी तो मेरा ख्याल ये बेहतर हो जाएगा ताकि दोबारा वो वाकया ना हो सके घर चलाने का। देखिए, वो लोग इन फैमिली को तो तलाश करते फिरते होंगे ना, ठीक है, चुप छुपा के गुजारा कर रहे हैं ना, और हमें पता चलता है वो मुख्तलिफ जायज़ के बहुत शदीद थ्रेट्स, इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए किसी भी तरीके से,
जो NGOs हमारी काम करती हैं इनके लिए और जो इनका सारा जो काफ्टर करती हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इनकी फैमिली के तहत इसका बंदोबस्त किया जाए। अरे सर, इस तरह है कि इस तरह के जो झूठे मुकदमे जब दर्ज होते थाने के अंदर, कोई कानून ऐसा है लॉ के अंदर कि उसी वक्त वहाँ से रिलीज हो जाए बंदा थाने से? जनाब, पुलिस के बेहतरा अख्तियारात है। अगर पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है, तो मुल्जमों को थाने से रहा कर दिया जा सकता है। कानून मौजूद है कि मुल्जम को थाने से रहा किया जाए, ठीक है, थाने मुल्जम के हाथ में रखा जाए, मुल्जम को रिहा कर दिया जाए। लेकिन ऐसे जो केसेस हैं बड़े एहसास ले चुके हैं जिसमें पुलिस हमारे मुल्क की वो स्टेप नहीं लेती, ठीक है, वो उस ग्रोह के सामने, उन लोगों के सामने बेबस हो जाते हैं। उन प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है कि आज तक जिन्होंने घर चलाया इनको किसी ने पकड़ा तक नहीं है, किसी ने पूछा तक नहीं है। घर तो इतना जला दिया ना, अगर कोई और कोई किसी का घर चलाता तो टच तो होती ना उसकी। इस केस में नहीं पूछा गया किसी ने, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इस हिसाब से पुलिस के अख्तियार हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि पुलिस को चाहिए कि वो ज़्यादा तरीके से अपने अख्तियार का इस्तेमाल करें। जहाँ मुझे बेगुनाह नजर आता हो, बेगुनाह साबित हो जाए, उसको रिहा किया जाता है। अच्छा, इस वक्त जिस तरह स्टीफन की जमानत हो चुकी है तो उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए क्या थाना सामने नहीं आ सकता? देखिए, थाना आता है लेकिन थाना क्या करेगा? थाना आएगा, इनको घर भेज देगा, घर जाने के बाद ये कहाँ पड़ेगी? या तो इनके मुसलसल पैरा लग गया पुलिसों का कि ये रोज़गार कहाँ से कमाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह ये काम करेंगे? क्योंकि ये फैमिली जो है ना, तो इंडिपेंडेंटली नौकरी कर सकते हैं, ना रोज़गार कर सकते हैं, ना कमाई कर सकते हैं। कानून को देखना है तो पीछे से वो आना रहो, पीछे से हमला ना कर दे, ऐसे विक्टिम ना कर ले, इनसे बदला ना ले ले। अब उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा ये है कि इन वकला ने इसको बाहर कैसे निकाल दिया, कैसे इसकी वकालत करके छुड़ा दिया है। तो ये हम भी इसमें खतरे पे हैं, ठीक है, हमें भी थ्रेट्स होते हैं, हमें भी खतरा होता है, हम फेस करते हैं इनको। लेकिन हम तो कानून और इंसाफ के लिए लड़ते हैं, हमारा काम इंसाफ, हम पार्टी नहीं किसी किस्म के होते, हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं। जो भी हमारे पास आएगा हमने उसके लिए इंसाफ की तलाश करते हैं, हम अल्लाह की मदद से इंसाफ तलाश करते हैं। मेरा ख्याल है कि फ्रांसिस से हम पूछेंगे कि अभी तक जो सूरत हाल चल रही है कि आपका जो भाई है वो इस वक्त ज़मानत से बाहर आ चुका है, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से फ्रांसिस कुछ बताइएगा। जी मैम, इसी में सब कुछ वापस है, तो मैं आपको शुक्रिया का सूरत हाल चल रही है। ना दिन सुकून होंगे कि हूँ भी किसी टाइम भी सानू मार दिता जाएगा, जां सानू कोई भी नुकसान, बच्चों नू नुकसान पहुँचा दिता जाएगा। असी 24 घंटे खतरे में हाँ, और तुहाडे सारे अगे मैं गुजारिश करना वा मेरे भाई की, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन की जाए और मैं जरा ना तहफा दिता जाए। जिस तरह मुख्तलिफ NGOs जो काम कर रही ने, तो भी जिस तरह राणा साहब ने दसिया है कि वॉइस फॉर जस्टिस ने बड़ा अहम रोल अदा किया, तुम उन बारे की कहना चाह रहे? देखो, शुरू तो बड़े NGO आई, उन्होंने मेरिया तस्वीर खिंचिया, उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने अपने काम किए। लेकिन जो वॉइस रजिस्टर्ड इस केस जोधव भाई इस केस के आए ने, तो केस की बहुत सारी बेहतरी हुई है और जोड़ा वे स्टीफन की जमानत हुई है, और मैं वॉइस रजिस्टर का शुक्रगुजार हाँ, और जोधव साहब का भी को जो शाना बिशाना मेरे नाल खड़े ने, और उन्होंने मैं दिल तो शुक्रगुजार हाँ। अच्छा, इस वक्त कंडीशन की है खान पीन की, कारोबार की? तो मैं मुश्किल है, कमाई भी करते हो वो? सर, मैं 4 साल हो गए ने जदों का स्टीफन घर चला दिता गया, स्टीफन अंदर से मेरा कोई कारोबार नहीं है। बस यही होंगे कि किसी टाइम भी कोई मार देगा, तो पहली गल तो है कि कोई डरदा मैं नौकरी पर भी नहीं रखता, कि जिन्होंने पता लगता वे कि इन्होंने भाई के उत्ते केस है, तो डरद कोई जरा वे नौकरी पर भी नहीं रखता। लेकिन मैं तुम्हारे दुआवों की जरूरत है, और तुम मेरे वास्ते दुआ करो, मेरे भाई वास्ते और मेरे बच्चों वास्ते, ताकि असी महफूज हो सकी। जी राणा साहब, ये बताइएगा कि इस केस में आपके साथ और कौन कौन से एडवोकेट थे जो काम कर रहे थे? देखिए जी, मेरे साथ एक हमारे क्रिश्चियन साथी हैं, फारूक बशीर साहब, वो बाकायदा हमारे साथ रहे हैं, पूरे रिस्क में शामिल रहे हैं, और उनकी पूरी एफर्ट रही है, मुझे असिस्ट करते रहे हैं, हर तारीख पे साथ जाते रहे हैं। सियालकोट भी, हाईकोर्ट में भी हमने मिल के काम किया है, और अच्छी असिस्टेंस वो देते हैं। कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, क्रिश्चियन लॉयर हैं, तो उनको भी मैं शाबाश देता हूं कि वो अच्छा काम करते हैं। इसी तरह हमारे दोस्त हैं शमोन अल्फ्रेड गिल साहब, ये पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी बड़ा इसको सपोर्ट किया हमें,
और इनका रابطہ भी जोसेफ फ्रांसिस जोसेफ जॉनसन साहब जॉनसन साहब से रहा है, उनके हवाले से इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने उनको प्रॉपर असिस्ट किया, उनको प्रॉपर बताया, और ये हमारे साथ होते हैं जहाँ भी कोई ऐसी बात मसीह कौम के लिए होती है, ये हमारा पूरा साथ देते हैं और हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। और आज भी खसूसी तौर पर हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं शमाउन अल्फर्ड गिल साहब, जिनका मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा वाइस फॉर जस्टिस के चेयरमैन मिस्टर जोसेफ जैनसन साहब का कि उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, और अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके काम में बरकत डाले खुदा, और वो बड़ा सिंसियर काम करते हैं। उनसे फिर गुजारिश करूँगा कि इस स्टीफन फैमिली के लिए कुछ करें, और ये बहुत बड़ी इबादत होगी अगर इनके लिए कुछ कर दिया जाए तो। जी मैं दसना चाह रहा कि स्टीफन के जो वकील ने सीनियर वकील राणा अब्दुल मीर साहब, इन्हों की बड़ी मेहनत बड़ी कोशिश के नाल और बड़े जी उन्हों हालातों के राणा साहब सियालकोट जाते रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा थ्रेड सन, और इस सारे मुश्किल हालातों के राणा साहब ने बड़ी मेहनत करके स्टीफन जरा जमानत करवाई, और इन्हों के नाल फरूक एडवोकेट साहब फरूक बशीर साहब जेडे इन्हों मामना सन, ठीक है, वो भी बड़ी उन्होंने कोशिश सी। मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना, और शुक्रिया अदा करना जोसेफ साहब का जिन्होंने सारा जरा मिल के ते साथियों ने स्टीफन वास्ते मेहनत की, और गिल साहब ने इन्हों शुक्रिया अदा करना शमून गिल साहब, और इन्होंने मेरी खबरगिरी मेरी फोन पर खबरगिरी लेंदे रहे ने, मैनू पुछते रहे ने कि भी हुण तुसीं किस हालात चो, इन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की सारे केस के, मैं इन्हों का शुक्रिया अदा करना। जी शमान भाई, ये बताइएगा कि स्टीफन मसीह केस में आपकी जो पार्टी है मैप, उसका क्या किरदार रहा है? देखें, किरदार की तो ये बात है कि 1985 से कायदे तहरीक शहबाज भट्टी जिन्हें इस्लामाबाद में शहीद कर दिया गया, और उसके पीछे भी यही था कि एक कौम की बेटी पाकिस्तान की शहरी आसिया बीबी के हवाले से उन्होंने भरपूर तरीके से आवाज़ बुलंद की और कहा कि इसका जो मिसयूज़ है उसको रोका जाए। तो पिछले दिनों भी 11 अगस्त 2022 को इस्लामाबाद डी चौक पर भी माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान ने जो कायदे तहरीक शहबाज भट्टी की नजरियाती वारिस है और उनके मिशन और विजन को आगे लेकर चल रही है, हमने वहाँ पर भी जो हमारे मतालबात थे भरपूर तरीके से जो मसीह कौम है चाहे मजहबी अकलियत हैं उनके हवाले से अपने मतालबात गुजारशात पेश की, और उसमें हम समझते हैं जो सेंसिटिव जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सेंसिटिव मैटर है या लाज है वो ब्लास्फेमी लाज है, और इसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है कि आप चाहे शांति नगर को देख लें, चाहे सखर को देख लें, चाहे सांगला हिल को देख लें, गोजरा को देख लें, कोरिया को देख लें, सियालकोट में चियाँ वाले को देख लें, मरी में देख लें, भावलपुर है या रिम्पा प्लाजा कराची का, ये बेशुमार एक सीरीज़ है जहाँ पर इस कानून का 295 ABC का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। तो इससे जो हमारी कम्यूनिटी है वो एक फ़र्द या एक ख़ानदान मुतासर नहीं होता, बल्कि ये कराची में अगरचे कोई इस तरह का इंसिडेंट या मिसहैप होता है तो पूरे पाकिस्तान की मजहबी अकलियतें जो हैं वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती हैं। तो हमारे सामने ये स्टीफन का केस है, उनका भाई भी हमारे दरमियान मौजूद है। तो देखिए, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि आप एक घर को जला दें, बल्कि माजी में तो गोजरा में जिस तरह 7-8 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, शांति नगर में जानवरों तक को जला दिया गया, बेशुमार घर जला दिए गए। तो देखिए, इस एक तो घर जला दिया गया, दूसरा क्योंकि वहाँ पर हमारे दोस्त थे, हमने शुरू में पूरी इन्वेस्टिगेशन की और ताकि पता चले कि असल मामला क्या है, तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल मैटर था, एक ग्रज था, एक इसके बैंड दूसरा एक जाती लड़ाई थी। तो एक तो स्टीफन जो है वो ज़हनी तौर पर वो इस काबिल नहीं है कि वो सोच समझ सके। तो मैं समझता हूँ कि स्टीफन और उसकी फैमिली पर जिस तरह से जुल्म व तशद्दुद किया गया और इतने अरसा वो अपनी जान बचाने में, मैं समझता हूँ यहाँ अपनी ज़िंदगी की बका ही बड़ी मुश्किल है, किसी पे सच्चा इल्ज़ाम लग जाए झूठा लग जाए, और मोस्टली आज तक जो साबित हुआ है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आज तक एक भी केस किसी पे साबित नहीं हुआ, और इसके पीछे कुछ ज़ाती रंजिश या बाकी चीज़ें होती हैं।
तो आज भी जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि स्टीफन के लिए खुसूसी तौर पर, उसके भाई फ्रांसिस के लिए, सारी फैमिली के लिए खुसूसी दुआ में याद रखें, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी की बका के लिए दूर दराज कहीं पर ये अपनी जान बचाने के लिए छुप कर बैठे हुए हैं। तो जो दोस्त इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें आगे आना चाहिए और किरदार अदा करना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी मसीही कौम की तरफ से, मजहबी अकलियतों की तरफ से, जोसेफ जेंसन साहब का, जिन्होंने माली तौर पर, कानूनी तौर पर बड़ा भरपूर किरदार अदा किया, और खसूसी तौर पर जो पाकिस्तान के इस हवाले से सबसे कम्पिटेंट लायर हैं, राना अब्दुल हमीद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनको जो है वो केस सौंपा। और मैं समझता हूँ कि ये एक कामयाबी राना साहब की ही बदौलत हुई है, राना अब्दुल हमीद की बदौलत, क्योंकि एक सीनियर तरीन वकील हैं। और आप बहुत सारे केसेस आप देख सकते हैं, चाहे वो रिमशाह का या बाकी हैं, जहानाबाद के, उन्होंने विक्ट्री उनमें हासिल की है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सीनियरिटी से इस केस को लड़ा, और आज जो है स्टीफन वो जेल की सलाखों से बाहर है। लेकिन अभी ज़रूरत है, जो इसके बाद सबसे बड़ी है, कि जेल में तो वो फिर भी महफूज था स्टीफन, लेकिन आज लम्हा बलम्हा ये कोई आम बंदा अंदाज़ा नहीं कर सकता या महसूस नहीं कर सकता। जिस तरह अगरचे मेरी उंगली को कट लगेगा तो वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ। इस तरीके से एक तो जोसेफ जेंसन का शुक्रिया अदा करता हूँ, दूसरा जिस कर्ब से फैमिली गुजर रही है, मैं समझता हूँ जल्द अज जल्द इनकी हिफाजत के लिए जोसेफ भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना रोल अदा करें। और मैं उनका फिर मनोरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान की तरफ से, जो सारी मजहबी अकलीतों की नुमाइंदा जमात है, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भरपूर तरीके से स्टीफन और ख़ानदान की माली तौर पर, कानूनी तौर पर मदद की। नाज़रीन, जिस तरह राणा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं अपनी कौम के लिए, तो अच्छा रोल अदा करें। जिस तरह फ्रांसिस ने कहा कि काफ़ी एनजीओज़ ने हमारे साथ राबता किए, तस्वीरें खींची चले गए, लेकिन वॉइस फॉर जस्टिस ने हमारे केस को जब पकड़ा और तकमील तक ले गए, और वो इस वक्त जो है स्टीफन जो है ज़माने पर तो आ गया, लेकिन फिर भी ये डरे हुए हैं, क्योंकि ये उस इलाके में जब रहते हैं तो यही कह रहे हैं कि हमें आज भी डर है कि कहीं हमारा दोबारा घर ना जल जाए, क्योंकि हम कारोबार भी सही तरीके से नहीं कर सकते और किराए पर रह रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह फ्रांसिस ने ये अपील की है मसीह कौम के लिए, उनके सामने रखी है कि हमारे लिए दुआ करें और खुदा हमें रिलीव करे यहाँ से, ताकि हम कहीं और जाकर अपना एक नया घर बना सकें, क्योंकि पहला घर तो चला दिया गया, लेकिन अब ये किराए पे भी रह रहे हैं और रोज़गार कमाना मुश्किल हो रहा है। तो मेरा ख़्याल जितनी भी एनजीओज मसीह कौम के लिए काम करती हैं, अगर हर एनजीओ एक अच्छा रोल अदा कर दे इन केसेस के ऊपर, तो मेरा ख्याल है हमारी मसीह कौम के दुख जो हैं वो कम हो जाएंगे। और राना साहब जैसे जो एडवोकेट हैं वो भी इस तरह जो इस केसेस में सामने आते हैं और एक अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का काम इंसानियत की खिदमत करना है, चाहे वो किसी भी किरदार में हो, किसी भी अदारे में हो। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे कैमरामैन तारक पैरा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।